नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जितने भी यहाँ पर बीएड के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगातार ही आपके लिए मैं अपडेट लेकर आ रहा हूँ। देखो, आज जो ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है, ये आपका बीएड के रिजल्ट से रिलेटेड होने वाला है। अभी यहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा आप सभी छात्रों का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है, ठीक है। और साथ ही में किस किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पर है, आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप सभी छात्रों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, जिसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। वो वहाँ पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक है। अब जो रिजल्ट जारी हुआ है वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हुआ है, और रिजल्ट जो बी एड का जारी हुआ है, बी एड फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, सभी छात्रों का जारी हुआ है। तो चलिए एक बार मैं आपको जो बी एड का रिजल्ट है उससे रिलेटेड आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर फिर बात करेंगे और अदर यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। तो जो रिजल्ट जारी हुआ है, तो फर्स्ट में क्लियर कर देता हूँ, रिजल्ट आपका जारी हुआ है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप इसकी वेबसाइट पर आप चाहो तो डायरेक्ट आ भी सकते हो, यहाँ पर आने के लिए आप univindia.net सर्च करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। आने के बाद में यहाँ पर रिजल्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जाम ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर अपन करते हैं 2023। इसके बाद में रिजल्ट टाइप है वो अपन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर क्या, मैन, ठीक है। UGPG में जब अपन देखो प्रोफेशनल कोर्सेज में, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी छात्रों का डाउट रहता है प्रोफेशनल कोर्सेज में। जैसे आपका आ जाता है जैसे BCA हो गया, BBA हो गया, ठीक है, उसी के बाद में आपका MCA हो गया, उसी के बाद में BCOM वगैरह हो गया, ये सब सॉरी BCOM नहीं, ये सभी कोर्सेज आपके आ जाते हैं इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज में। एजुकेशन में आपके जो कोर्स आते हैं वो आपके आता है बीएड का हो गया, साथ में लॉ का हो गया, और बाकी तो आप जानते हो सेमेस्टर हो गया, UGPG हो गया, ये सब कुछ आपके नॉर्मल कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बीएड स्पेशल के जो रिजल्ट है वो आपके जारी हुए हैं। पार्ट सेकेंड हो गया, पार्ट सेकेंड हो गया, पार्ट सेकेंड हो गया, यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इन सब्जेक्ट के ये जो रिजल्ट है आप सभी छात्रों के जारी हो चुके हैं। इसी के साथ में आपके दो रिजल्ट और भी जारी हो चुके हैं, वो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कौन कौन से जारी हुए हैं। वो आपके जारी हुए हैं बीएड के ही जारी हुए हैं, जैसे कि एक बार मैं स्क्रीन पर आपको क्लियर भी कर देता हूं। जैसे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर देख सकते हो आपका बीपीएड फर्स्ट ईयर एंड बीपीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। जो मतलब कि जो स्टूडेंट आगे जाकर PTI वगैरह बनते हैं तो वो स्टूडेंट यहाँ पर BPED वगैरह करते हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 26 तारीख तक आपके फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं। बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मैं उसके ऊपर एनालिसिस करके बना दूंगा। बाकी आप मुझे ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लेना। देखो ट्विटर पर अपने 500 एक तरीके से फॉलोवर होना नेसेसरी है, तो आप एक बार फॉलो कर लेना मुझे ट्विटर पर। ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बाकी आप सभी छात्रों का अच्छा स्नेह रहता है, अच्छा प्यार रहता है, बाकी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी कर लेना फॉलो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन जिनके पास में ट्विटर है और जिनके पास नहीं है तो डाउनलोड करके फॉलो करके चाहे अनइंस्टॉल कर देना, लेकिन फॉलो ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।